बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। लिब्रा ये हफ़्ता कैसा रहेगा 23 मई से 29 मई के दरमियान क्या होने जा रहा है? आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला प्रोग्राम आपको बिला रोक टोक बिला तखीर डायरेक्ट आपके पास पहुँच सके। इस हफ्ता ये हफ़्ता बड़ा ट्रिकी है लिब्रा, यहाँ पे मेजर चेंजेस है। जैसे पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि सन 21 तारीख को आपके 8वें घर से राहु से नीचे निकल के आपके 9th हाउस में आ गया हुआ है और यहाँ पे मार्स भी 25 को आपके 7वें घर में आ जाएगा। तो मजा होंगी तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या एक्टिविटीज़ होगी। और जो 29 तारीख को 29th मई को मरकरी जो रेट्रोग्रेशन में लड़खड़ाता गिरता हुआ वापस आपके राहु के नीचे टॉरस में आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको आगे जाके बताऊंगा कि या इस रेट्रोग्रेशन और मरकरी नेगेटिव से आपने हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स। स्टार्ट हफ्ते का आपका 6ठे घर से हो रहा है। छठा मार्स और मून इकट्ठे हैं यहाँ पे और 23rd 24th डेट ये दो दिन बनते हैं पीर और मंगल और ये छठे का लॉर्ड 7वें में। तो जब छठे का लॉर्ड 7वें में जाता है तो कोई ना कोई अपोजिट सेक्स आपकी तरफ रागब होगा और आपसे ख्वाहिश जाहिर करेगा कि मैं आपसे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे साथ आप काम करें या मुझे जॉब पे रख लें या इंटर्नशिप दे दें या इस किस्म का, जिसे आप बड़े खुश दिली से कबूल करेंगे। यस मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, सिट हियर एंड डिस्कस एंड ये वो ठीक है। और आपके दिमाग में भी यही आएगा चले यार एक माहौल ज़रा थोड़ा सा, ख़ास पर मर्दों की बात कर रहा हूँ कि अपोजिट सेक्स कोई आए तो चलो यार ऑफिस में कोई रौनक ही बन जाएगी और आप भी उसको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगे उस पर। या वो लोग वो ख़वातीन जो ऑफिस में काम करती हैं किसी कंपनी में काम करती हैं तो उनको कोई ऑफ़र होगी अपने कुलीग से को वर्कर से या किसी से कि आप क्यों ना हम इकट्ठे काम करते हैं क्यों ना हम शादी कर लें, तो वो इस किस्म का भी चांस बन सकता है। इसके अलावा दफ्तर में कोई ना कोई बंदा आपको कहेगा कि हमारे साथ शराकत दारी करें और काम करें, आपका कोई जूनियर कोई सबॉर्डिनेट कोई कुलीग। और या अक्सर ऐसे होता है छोटे दफ्तर में चल मैं सर कमेटी शुरू की थी मेरे नाल कमेटी डाल ले, कमेटी होती है कि महीने का किस्त दे दें जिसकी पूरा अंदाजी मैंने कहा उसको सारे पैसे दे दिए जाएंगे। तो इस चीज़ों में आपने हिस्सा नहीं लेना, वो आपको थोड़ा सा वो कह रहे हैं पैसे डूबने का एहतमाम। आगे चलते हैं, किसी पे यहाँ पे अंधा एतबार नहीं करना क्योंकि छठा घर आपको पता है शादी शुदी के चक्कर में नहीं पड़ना, वो भी आपका वो ख्याल ख्यामी होगी आपकी और ये 4 दिनों की चलेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। जिनसी मामला तक नहीं जाना नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आगे आ जाता है छठा घर यहाँ पे मून और मार्स। अच्छा जब मून और मार्स इकट्ठा होता है तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, एक रूबेस्ट टाइप और फिर हाईली इमोशनल, यानी कि उस ऑफिस वर्क में जाएंगे तो बहुत ही एक्टिव होंगे बहुत तेज़ होंगे इमोशनल होके करजियस होके बोल्ड होके काम करेंगे और ओवर एक्टिव होंगे। ठीक है वो ये भी फाइल ले हो ये भी ले हो इसको भी करो इसको अभी करो ये है आप डिक्टेशन देता हूँ इस किस्म के में आप या बॉस के पास भाग भाग के जाएंगे मैं सर ये भी कर दिया ये भी कर दिया, इस किस्म का आपके अंदर एक एनर्जी होगी जिसे कहते हैं और शार्ट टेम्पर्ड हो गए आप बॉस को खुश करने के लिए थले सबॉर्डिनेट वो तुमने काम क्यों नहीं किया ये है वो है उस पर चढ़ दौड़ेंगे और एडमेंट और फाइटिंग स्पिरिट होगी एम्बिशियस बहुत होंगे। तो ये चीज़ें आपको मसलन जब आप ओवर एक्टिव ओवर रिएक्शन करेंगे ना तो एकदम कोई ना कोई गलती भी कर सकते हैं। छठा घर है आपको पता है छठा घर गलती थोड़ा सा वो नेगेटिव इसको हम बुरा घर समझते हैं
तो इसलिए बेहतर है कि आपके हासदीन आपको कहीं लेना डुपे जाके चुगली ना लगा दें या कोई इस किस्म का काम ना करें। यहाँ पे आपने जोश जज़ाबत में, खताबत में और ओवर करजिस से किसी लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस में नहीं जाना, क्योंकि मार्स आपको पता है पूरा जोर आपके अंदर, ताकत एक ये इस किस्म का काम होगा। यहाँ पे कोई कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई डूबा हुआ बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, कोई आपका लिटिगेशन केस आपके हक में हो जाएगा, या कोई कह लें कि क्रूअल एक्शन आपके खिलाफ हुआ है, कोई इंक्वायरी है, कोई चार्जशीट है, वो फाइल हो जाएगी। बस आपने एक काम करना है, आपने ठंडा रहना है और फेवरेबल रिजल्ट्स इन, कोई आपने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी आपका फेवरेबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर आ जाता लिब्रा, ये द बेस्ट टाइम नेक्स्ट है 25, 26, 27 मार्स 25 को मून के साथ ही माइग्रेट करके शिफ्ट हो जाएगा और सातवें घर में आएगा, और सातवां घर आपको पता है आपके स्पाउस का। यहाँ पे आपके स्पाउस का रवैया इतना अग्रेसिव, इतना रोमांटिक, इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप कहेंगे यार इसको हुआ क्या है। अब यहाँ पे कम्बिनेशन बने हुए हैं मार्स वीनस, जब मार्स वीनस होती है तो अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और फिर जुपिटर मून है और फिर मून वीनस है, मून जुपिटर है, वीनस जुपिटर है, तो सो इतने अच्छे कम्बिनेशन बने हैं कि यहाँ पे तो आपका तो खुल के खेलेंगे, खुल के यहाँ पे आप, हम वन बाय वन चलते हैं। जब मून और जुपिटर हो तो बंदा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, बहुत ठंडे होंगे, वार्म हार्टेड होंगे और बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे, सिंपैथेटिक होंगे, हर एक के साथ बड़े अखलाक से पेश आएंगे, और जब मून वीनस का इकट्ठे हो तो लव ऑफ ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, इसमें भी दिलचस्पी रहेगी आपकी, बड़े मूडी होंगे, शाही होंगे, ठीक है। और जब जुपिटर और वीनस इकट्ठा होता है तो और डिसेंसी आ जाती है आपकी, पॉपुलैरिटी आपकी बहुत बढ़ेगी, जेनरस्ट्री बहुत बढ़ जाएगी, लग्जोरियस आइटम में दिलचस्पी रहेगी, उसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल लिविंग करेंगे अपनी, और आई ऑफ क्वालिटी, ग्रेसफुल, एबल टू हैंडल पीपल, ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, और बड़े एनर्जेटिक, इंटेलेक्चुअल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। अब सातवां घर आपको पता है आपके सेक्स का है, आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, आपका स्पाउस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा इन इन रिलेशंस, वो फिजिकल आपको पूरा पूरा मौका देगा और आपको खूब क्या कहते हैं कि सुकून देने की कोशिश करेगा। उसके ये 3 दिन ऐसे होंगे कि बस मेरा जो स्पाउस है ना वो खुश रहे मुझसे, और फिर आपका अच्छा, वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करेगा, खिदमत भी करेगा, इन केस यू आर इन लव अफेयर्स और सच्ची मोहब्बत, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत आएंगे, मे बी इट विल बी कन्वर्टेड एंड फाइनलाइज इन टू अ मैरिज, और वो बहुत आपको कहेगा कि ठीक है हम शादी करते हैं, और क्यों ना मैं अपने माँ बाप को आपके घर भेजूँ, यहाँ अगर भेजेंगे तो वहाँ पर हाँ हो जाएगी। ये इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डिसीजन, डिसीजन विल बी इन योर फेवर, इसको फाइनलाइज कीजिएगा, या शादी की डेट रखी जाएगी वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। ये तो हो गया आपका पार्टनर के साथ, दूसरा कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आठवें का लॉर्ड जब आठवें में होता है तो स्पॉन्सरशिप ज़रूर मिलती है आपको, कोई ना कोई बंदा साथ देगा, ट्रेड करेगा आपके साथ आके, शराकत दारी करेगा आपके साथ, आपको ऑफ़र करेगा, ये ले जी ट्रेड करें, आपने बाहर जाना है, ये मैं टिकटें देता हूँ आपको, ये टिकटें ले, आप बाहर चले जाए। ख़ास तौर पे यहाँ पे डॉक्टर हजरात को, ये जो जो उनको 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 कंपनियों की तरफ से बहुत स्पॉन्सरशिप मिलेगी, कोई ना कोई ऑफ़र आएगी जिसपे कहेंगे जाएँ जी आप बच्चों के साथ सैर कर रहे हैं, अपने स्पाउस के साथ फ़लाँ मुल्क में चले जाएँ, फ़लाँ मुल्क में चले जाएँ, या आपका ऑफिशियल कोई टूर बन जाएगा, को प्राइवेट हेड के तौर पे कंपनी में अगर आए तो वो कंपनी आपको बाहर भेजेगी कि जाए फलां जगह पे होके आए, तो यहाँ पे आपका बाहर का टूर भी बन सकता है। और फिर अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पब्लिक में आपको बहुत पीजी आई मिलेगी, आपको लिफ्ट मिलेगी,
कोई ना कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी रिकवर हो जाएगी, कोई ना कोई ऑनर इन फॉरेन कंट्रीज़। यहाँ पे आपका, मुझे तो वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया है तो वो मिलने के पूरे चांस है। अगर मिल गया तो फ्लाई करेंगे, सफ़र करेंगे, सफ़र के भी चांसेस यहाँ पे बहुत बढ़ते हैं। जब जुपिटर और मून इकट्ठा होते तो ट्रैवलिंग ज़रूर होती है और बड़ी पॉजिटिव ट्रैवलिंग होती है, बड़ी अच्छी हो। यहाँ पर स्पॉन्सरशिप वाली ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, जनरल हैप्पीनेस होगी और फॉरेन अफेयर्स में आपको बहुत ही उफान मिलेगी। अब आगे चलते हैं हम, ये 3 दिन जब आपने गुजार लिए है तो फिर 28, 29 को मून 8वें घर में राहु के नीचे चला जाएगा, और 28 को मून और राहु होगा, 29 को मरकरी भी आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वो ख्वातीन जो प्रेग्नेंट है, काइंडली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल फॉर दीज 2 डेज, अदरवाइज देर वुड बी अ डिजास्टर इन शेप ऑफ मिस कैरेज। ये राहु आपको कभी किधर दुराएगा, कभी किधर। फिर आठवां घर आपके प्राइवेट पार्ट्स का है, मैदे का है, ठीक है। और फिर मरकरी 29 को जब वहाँ आएगा तो मरकरी निज़ाम को डील करता है, वो आपको बाहर से कुछ चीज़ खाएंगे, वो आपको प्रेशर, डायरिया हो सकता है, कोई मसला आ सकता है, कोई गायनी का प्रॉब्लम आपको तंग कर सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने अपने ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये 2 दिन थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन और गायनी के इशू उनको तंग कर सकते हैं। अब 8वां घर या आपको कोई ना कोई जो राहु उधर है और मून है तो फेजेस थोड़े से आपको आएंगे, स्विंग्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल छेड़ना नहीं है या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, वो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अवल तो प्रॉपर्टी उस दिनों में नहीं चढ़ेगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको कोई लॉस भी हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने हाथ ही नहीं डालना किसी किस्म की, इन केस कोई ट्रांसफ़र करने जाते हैं प्रॉपर्टी अपनी, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बेहतर है कि इन 2 दिनों में आपने कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं करना, कोई आपने अच्छा यहाँ पे अपनी स्पाउस की सेहत का, अपनी वालदा की सेहत का, अपनी बड़ी बेटी की सेहत का ख्याल करना होगा। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या किडनी के मरीज़ हैं, देन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, और दवाइयाँ टाइम पर लेनी है। डायलिसिस वाले मरीज़ तो बिल्कुल रिलैक्स ना हो, दिन डायलिसिस ज़रूर करवाएं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आ सकता है और डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसलिए लिब्रा, ये जो 28-29 मैं आपको सुजेस्ट करूँगा, कोई फालतू फजूल एक्टिविटीज़ में जाने की बजाय, किसी से बहस मासा करने की बजाय, आप बेहतर है चुप करके घर में रेस्ट करें, नींद पूरी करें और अपने आप को रिलैक्स रखें। मेरा जलसे जान तो दिल करता है, वो वाले चीज़ों में मत जाइए, वहाँ पे आपके लिए वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लिब्रा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।